अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग टाइप्स फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री एंड सो ऑन इस टाइप के इसके सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे वो उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे लेकिन वो सब करने से पहले ये देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है सो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सो एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोफिशियंट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन तो किसी भी इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोफिशियंट है तो हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं तो फॉर एक्जाम्पल डीवाय बाय डीएक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी टू वाय बाय डीएक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉज एक्स वन प्लस डीवाई बाय डीएक्स होल टू द्री बाय टू इक्वल टू डी टू वाय बाय डीएक्स स्क्वेयर ये सब क्या है ये सारी के सारी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशंस प्रेजेंट है डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाय डीएक्स ये सारे क्या है डिफरेंशियल कोफेशन तो अगर ये प्रेजेंट है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप देखते हैं इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है सो द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट डिफरेंशियल कोफिशन प्रेजेंट इन द इक्वेशन मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी डिफरेंशियल कोफिशंस प्रेजेंट है उनमें जो हाइएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल डिफरेंशियल है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाली इक्वेशन देखें इसमें डिफरेंशियल कोफिशन से डी टू वाई बाय डी एक्स स्क् है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा जो इस डिफरेंशियल का ऑर्डर है दैट इज टू सिमिलरली अगर हम यहां देखें वन प्लस डीवाई बाय डीएक्स होल्ड टू द्री बायल टू डी टू वाय बाय डीएक्स स्क्र तो यहां पे दो डिफरेंशियल कोफिशन है लेकिन हाइएस्ट ऑर्डर किसका है डी टू वाई बाय डीएक्स स्क्स का ऑर्डर तो कितना हो गया टू टू सो अब देखते हैं डिग्री क्या होता है सो द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाइएस्ट डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन तो डिग्री क्या होती है हाइएस्ट डेरेवेटिव जो हमें मिला उसका उसकी पावर उसकी डिग्री लेकिन आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल साइन या फ्रैक्शन तो अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसको रिमूव करने के बाद जो हाइएस्ट ऑर्डर डेरेवेटिव है उसकी जो डिग्री होगी वो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री सो फॉर एग्जाम्पल वाई एक्स डीवाई बाई डीएक्स प्लस डीवाई बाई डीएक्स होल स्क्वायर तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें हमारे जो डिफरेंशियल हैं वो सिर्फ डीवाई बाई है और इधर भी डीवाई बाई डीएक्स है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया वन और डिग्री कितनी होगी ये दो डिफरेंशियल हैं और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है टू सो so, इसकी डिग्री हो गई टू ऐसे ही इसको अगर हम देखें वन प्लस डीवाई बाई डीएक्स होल स्क्वायर होल टू द्री बाय टू इक्वल टू डी टू वाई बाई डीएक्स स्क्का ऑर्डर क्या होगा हाइएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल डी टू वाई बाई डीएक्स स्क्वायर तो इसका ऑर्डर हो गया टू और अब इसकी अगर हमें डिग्री निकालनी है तो ये जो रेडिकल्स हैं ये जो फ्रैक्शन है हमें इसको रिमूव करना होगा और इसको रिमूव कैसे करेंगे इसको रिमूव करने के लिए थ्रू आउट स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा वन प्लस डीवाई बाई डीएक्स होल स्क्वायर होल टू द द्री यानी होल क्यूब इक्वल टू डी टू वाई बाय डीएक्स स्क्वायर होल स्क्वायर तो अब जो हाइएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है वो है डीवाई डी टू वाई बाय डीएक्स स्क्वायर यह है तो जो इसकी डिग्री होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी दैट इज टू तो इसकी डिग्री क्या हो गई तो ये ऑर्डर और डिग्री करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं लेकिन सबसे पहले जो हम टाइप लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सो लेट सी सो सल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इसको देखते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में चार टाइप्स होते हैं फर्स्ट इज वेरिएबल सेपरेबल सेकेंड इज होमोजीनियस थर्ड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोर्थ इज एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम ये चारों के चारों चार अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करेंगे तो आज के वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल के बारे में सो वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है मान लेते हैं हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवेन है फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है एक्स प्लस वन डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन अब इसके नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल दैट इज आपको वेरिएबल सेपरेट करने यहाँ पे हमारे पास दो ही वेरिएबल्स हैं एक y है एक x है तो इसका मतलब है एक साइड पे इनमें से एक साइड पे हम ले लेंगे सिर्फ y के वेरिएबल और दूसरी साइड पे सिर्फ x के वेरिएबल तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे इधर है डीवाई और यहाँ पे वाई का वेरिएबल है वाई स्क्वायेर प्लस वन तो वाई स्क्वायर प्लस वन को हम इस साइड लेके आ सकते हैं तो ये कैसे आ जाएगा डीवाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स ऑलरेडी यहाँ है डीएक्स को ऊपर ले जाते हैं तो डीएक्स ऊपर आ गया इधर है एक्स प्लस वन वो नीचे आ गया तो हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गए इस साइड पे सिर्फ वाई है इस साइड पे सिर्फ एक्स है तो अब क्या करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है या सब इकलौता तरीका क्या है उसे इंटीग्रेट करना तो अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेट सो इंटीग्रेटिंग हमें क्या मिलेगा दोनों साइड हमने अगर इंटीग्रेट किया यहां तो हम डायरेक्टली सॉल्व करके फॉर्मूला होता है हमारे पास डीवाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन ये होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स वाई और इस साइड को इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे क्योंकि अगर आप देखें इन दोनों की डिग्री सेम है ये भी एक्स है ये भी एक्स है अगर सपोज अगर सपोज एक की डिग्री ज्यादा या कम होती तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते थे या पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते थे लेकिन अभी क्या करें इन दोनों की डिग्री एग्जैक्टली exactly सेम है और इधर प्लस वन है तो अब हम क्या करेंगे हम न्यूमरेटर प्लस वन और माइनस वन करेंगे तो इधर प्लस वन माइनस वन किया इन्हें अलग अलग कर लिया तो एक्स प्लस वन अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स और वन अपॉन एक्स प्लस वन का कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का क्वेश्चन है सॉल्व एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो गिवन वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर वेर एक्स इज इक्वल टू अंडर अगेन इसको वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे इसके वेरिएबल सेपरेट करने के लिए वाई को हम इस साइड ले आए तो कॉटवाय इधर आया अब डीवाई कॉटवाय को हम यहां ला सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में नीचे तो ये कितना हो जाएगा डीवाई अपॉन कॉटवाय और डीएक्स ऊपर चला गया एक्स नीचे आ गया और 1 अपॉन कोट y कितना होता है tan y तो अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करते हैं अब वो देखते हैं वो कैसे करेंगे हम सो इंटीग्रल ऑफ tan y dy कितना होता है log sec y minus dx अपॉन x 1 अपॉन x का कितना होता है log x और क्योंकि ये दोनों लॉग में है तो हमने कांस्टेंट भी लॉग में लिया है तो ये हो गया हमारा कितना log c अब log a या एक काम करते हैं इसको इस साइड ले आते हैं माइनस लॉग एक्स है इसको इधर ले आए तो लॉग सेकवाई प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी तो लॉग ए प्लस लॉग बी कितना हो जाता है लॉग ए इंटू बी तो लॉग एक्स इंटू सेकवाई और इस साइड पे क्या है लॉग सी तो लॉग और लॉग हट जाएगा क्या बचेगा एक्स सेकवाईक्वल टू सी या एक्स इज इक्वल टू सी कॉस वाय और हमारे पास गिवन क्या था एक्स था रूट टू और वाईक्वल टू पाई बाय फोर तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो x हो गया रूट टू कॉस पाई बाय फोर कॉस पाई बाय फोर कितना होता है वन बाय रूट टू तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से टू इस टू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू कॉज वायर तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सो तब तक के लिए थैंक यू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा